ये दोनों एक जादुई जगह पर पहुंच जाते हैं। तो ये लड़का देखता है इसकी दोस्त पानी के ऊपर चल रही तो है। ये कहता है अपन भी ऐसे ईच करेगा। लेकिन इतनी बेइज्जती करवाने के बाद एक मेंढक इसके सिर पर पार्टी करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे हिरण आ जाते हैं, जिसे देखकर इस लड़के के तो तोते उड़ जाते हैं। फिर ये हिरण को बताता है कि मेरे दादाजी अब नहीं रहे और वो लाइट हाउस में लाइट जलाया करते थे, जिसे किलविश अंधेरा कायम ना कर सके। फिर ये बॉल से खेलने लगते हैं, लेकिन बॉल दूर चली जाती है। तो ये लड़का उस बॉल को लाने जाता है, लेकिन अंदर जाते ही इसे किलविश का चेला मिल जाता है और इसको कहता है तू तो गया बेटे, क्योंकि मैं तुम्हारे कारण ही आजाद हो गया। तो ये लड़का कहता है कह दो कि ये झूठ है। तो ये आदमी कहता है नहीं, तुमने लाइट हाउस में लाइट नहीं जलाई जिससे मैं आजाद हो गया। इससे ये लड़का बहुत घबरा जाता है और बाहर आकर उस आदमी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताता। फिर ये सभी एक नदी के किनारे जाते हैं कि तभी वहाँ पर ये किलविश का चेला हमला कर देता है, क्योंकि इसे अंधेरा कायम करने के लिए हिरण की सींग चाहिए। तो सभी हिरण अपनी जान बचाकर भागते हैं, लेकिन एक हिरण इसके चंगुल में फंस जाता है। तो ये आदमी कहता है मुझे तुम्हारे सींग चाहिए, सींग दे दो और मैं चला जाऊंगा। तो हिरण कहता है ओ ए अखरोट के छिलके, अरे तू जा रही। फिर ये दोनों लड़ने लग जाते हैं, लेकिन तभी ये भूतनी का आदमी इस लड़के को पकड़ लेता है और इसके बदले हिरण को अपने सींग देने को कहता है। तो हिरण भी अपने दोस्त को बचाने के लिए मान जाता है।